तो हरिओम और राजेश्वरी सतीश जी का स्वागत है। जी राजेश्वरी जी बचपन से चिन्मय मिशन के साथ ही रही हैं, फिर बाल विहार के बच्चे के रूप में थी पहले, फिर चिक के रूप में मिशन में रही, और अभी तो उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया है और सोफिया कॉलेज मुंबई और लॉ कॉलेज मुंबई वगैरह में भी काम कर चुकी है। अभी चिन्मय इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसके बारे में हमने पहले आपसे बात किया था, वहां के वे प्रिंसिपल हैं। बच्चों के लिए कई बाल विहार शिविरों का आयोजन इन्होंने किया है। देशभक्ति, लक्ष्य निर्धारण, इनर पोटेंशियल को उजागर करना, ऐसे बहुत सारे सत्र इन्होंने आयोजन किया है। और वैल्यू एजुकेशन, हमारी जो सीवीपी, जितने भी हमारे सीवीपी के प्ोग्राम हैं सीचीएमटी एजुकेशन सेल के, उसमें राजेश्वरी जी का एक भाग जरूर है, और वो जो बाग है वो बहुत बड़ा बाग है। अच्छा, और चिन्मय मिशन के जो सदस्य अन्य सदस्य होते हैं, बिन स्कूल के नहीं, बाकी अन्य सदस्य हैं और केंद्र है, वहां पर भी ये काफी सारे क्लासेस ले चुकी हैं। कैसे क्लासेस? बाल विहार की कक्षाएं कैसे लें, चिक की कक्षाएं कैसे करें, ऐसे बहुत सारे उन्होंने कोर्सेस लिया है। और बहुत मस्त पर्सन है, बहुत प्रेम से सबसे सबसे मिलती जुलती है। उनके साथ सेशन आपका जरूर बहुत अच्छा होगा। स्वागत है राजेश्वरी जी आपकी। थैंक यू, धन्यवाद मीना जी, बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद सुंदर परिचय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको हमारी तरफ से बहुत सारा प्रेम, आभार प्रकट करती हूँ। थोड़े जैसे विनीता जी है, कल्पना जी है, शिपा जी है, सुरभि जी है, सरिता जी है, हम आपको देखना चाहते हैं, अगर आप बुरा ना मानो तो। अर्चना जी है, कुछ नाम तो मुझे पता है, तो मुझे नहीं देखूंगी तो चलेगा, बट जिनको मैंने कभी देखा नहीं, मुझे एटलीस्ट आपको देखना है ताकि मुझे पता चले मैं किससे बात कर रही हूँ। तो मैं चाहूंगी कि आप अपना कैमरा को ऑन रखिए, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपका चेहरा देखकर बात करने में। हेलो हेलो मम्मी, धन्यवाद लक्ष्मी अर्चना जी, धन्यवाद अशोक जी। अब अच्छा, आपको एक छोटा सा बेबी है इसीलिए आप भाई बोलना चाहते हैं। ठीक है, हमने आपको देख लिया, धन्यवाद। तो बाकी जो शिभा, कल्पना जी, विनीता जी, सुरभि जी, दिलीप जी, अगर आप लोग सब अपना कैमरा ऑन रखोगे तो कोई भी जब हम सेशन ले रहे तो ज्यादा आनंद आता है, चेहरा देखकर बातें करने में ज्यादा आनंद आता है। ठीक हरिओम है, मैम, आई एम मनीषा। हरिओम धन्यवाद हरिओम। मनीषा जी। ओके, आप सब अपने आप को म्यूट रखिए, जब हम आपसे सवाल पूछेंगे आप इमीडिएटली उसको अनम्यूट करके जवाब दीजिए और वापस म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो हम दो तरफा इस सेशन को रखेंगे, ना कि सिर्फ मैं ही बोलती रहूं। ठीक है, अभी मैं आपके साथ एक काम कर रही हूँ, आपके साथ एक अपना शेयर, अपना स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ, आप सिर्फ इसे देखिए, और कोई भी एक जन, जो भी, रजनी जी आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, और सिर्फ इसे पढ़िए बस, और कुछ मत कीजिए, बाकी सब सिर्फ सुनिए। पढ़िए प्लीज, रजनी जी आप पढ़िए, अनम्यूट करके पढ़िए प्लीज, आपने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया, या कोई और जन कर सकता है? अंबिका जी आप कर सकते हो अपने आप को अनम्यूट? हाँ, मैं पढ़िए। पढ़ूँ? हाँ, प्रभा जी, आई प्रभा आई जी। हाँ एम कश्मीरी, पंजाबी, मारवाड़ी, बिहारी, केरले एंड बंगाली। वेरी गुड, एक और जन कोई पढ़ना चाहता है अनम्यूट करके? अंबिका जी आप पढ़ना चाहेंगे, पढ़िए प्लीज। थैंक यू। आई एम कश्मीरी, आई एम पंजाबी, मारवाड़ी, बिहारी, केरलाइट एंड बंगाली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दोनों को। ओके, अभी मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ, अब देखिए क्या लिखा है, अब कौन पढ़ सकता है इसको? अंबिका जी अब दोबारा मेहनत करेंगे और पढ़ेंगे क्या लिखा है। वेरी I am Indian. I गुड, धन्यवाद am धन्यवाद। यस, तो आपने क्या देखा, आई एम कश्मीरी, आई एम पंजाबी, आई एम मारवाड़ी, आई एम बिहारी, आई एम केरलाइट, आई एम बंगाली। मैं बंगाली हो सकती हूँ, मैं मारवाड़ी हो सकती हूँ, मैं पंजाबी हो सकती हूँ, मैं गुजराती हो सकती हूँ, बट सबको जोड़ता हुआ एक लिंक है, और वो है भारतीय। मैं भारतीय हूँ, ठीक है, मैं पैदा बंगाल में हुई हूँ, मैं पैदा गुजरात में हुई हूँ, मैं पैदा कश्मीर में हुई हूँ, मगर मैं भारतीय हूँ। तो इसीलिए जब हम आपसे अपने चक दे इंडिया मूवी देखा होगा, तो उसमें शाहरुख खान भी ऐसे ही पूछते हैं, अपने आपको इंट्रोड्यूस कीजिए, तो
तो एक एक जरूर लेगा। मैं राजेश्वरी आंध्र प्रदेश, मैं विनीता जी मैं बंगाल, अपना अपना सब बोल रहे थे। उसमें एक लड़की होती है जो अपना परिचय देती है और कहती है मैं भारतीय हूँ। तो ये भारतीय, मैं पैदा कहीं भी हो सकती हूँ मगर मैं हूँ भारतीय। इस भाव को कि मैं भारतीय हूँ, इसे क्या कहते हैं एक शब्द में? ये कौन सी क्वालिटी को डिपिक्ट करता है? नेशनलिज्म को, हमारे पेट्रियोटिज्म को। वेरी गुड, आप एकदम सही कहा। इसे पेट्रियोटिज्म कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं। एकदम सही, सही कहा आपने, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसे हम पेट्रियोटिज्म या देशभक्ति, देशभक्ति कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो ये 40 मिनट मेरे पास है, 40 से थोड़ा कम, ये 35 मिनट है, इस 35 मिनट में हम इस भाव को देखना चाहेंगे। ओके, पेट्रियोटिज्म का मतलब क्या है, पेट्रियोटिज्म क्या होता है, क्यों हमारे में नहीं है, इस भाव को हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। तो अभी मैं अपना शेयर को स्टॉप स्क्रीन करती हूँ ताकि आप मुझे देख सके। थोड़े दो मिनट के लिए हम आपस में बात करेंगे, बट बहुत जल्दी जल्दी। ओके, तो सबसे पहला देशभक्ति का मतलब क्या होता है? सबसे पहला कि देशभक्ति किसे कहते हैं, तो कोई भी आप में से कहना चाहेगा देशभक्ति मतलब क्या है? कोई भी इमीडिएटली कोई कहना चाहेगा? यस सुशील सर जी। राष्ट्रीयता की भावना से भरा हुआ मन। बहुत सुंदर देश प्रेम की भावना से भरा हुआ। एकदम सही कहा आपने, देशभक्ति का मतलब जब हमारे अंदर देश के प्रति प्रेम हो, देश के प्रति सिर्फ प्रेम नहीं, आदर भी हो, सम्मान भी हो, गर्व भी हो, सबका मतलब अलग होता है। हम किसी से प्रेम करते हैं बट उसे आदर नहीं दे सकते, कभी कभी हम आदर नहीं देते हैं, तो आदर अलग है। तो जब हमारे हमारे देश के प्रति हमें प्रेम भी हो, आदर भी हो और गर्व भी हो, जब हम कहते हैं गर्व, जो भी अच्छी चीजें, जो गलत चीजें, डेफिनेटली उसे हमें सुधारना है, बट हम भारतीय है, वो फीलिंग जो वो प्राइड बोलते हैं, जो गर्व बोलते हैं, जब वो भावना हमारे अंदर होती है, हम उसे देशभक्ति की भावना कहते हैं। तो ये मतलब हमें समझ आ गया। ठीक है, देशभक्ति का मतलब प्रेम आदर अपने देश के प्रति, और जहां प्रेम और आदर होता है वहां कुछ करने की इच्छा होती है। जहां मेरे मैं बोलती हूँ मैं अपने बच्चे से प्रेम करती हूँ, मगर मैं नहीं बोल सकती मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी, या मैं माँ को प्रेम करती हूँ मगर मैं नहीं कह सकती माँ आपको प्यार करती हूँ मगर पानी वानी मेरे से मत मांगना, चपाती वापाती मुझे मत बनाने बोलना, ऐसा नहीं होता। जहां प्रेम होता है वहां अपने आप हम कुछ करना चाहते हैं, अपने आप कुछ देना चाहते हैं, जो भी बढ़िया हमारे पास है हमें देना है, ऐसी भावना हमारे मन में होती है। तो देशभक्ति में भी यही भावना होती है, जहां हमें प्रेम गर्व है और कुछ करने की हमेशा लगन है, उसे देशभक्ति कहते हैं। तो अब हमारे मन में हम एक एक स्टेप ऊपर, पहले हमने मतलब समझा, अब हम अगले स्टेप पे जाएंगे। हमारे मन में भी देशभक्ति की भावना आती है, बट कभी कभी आती है। तो कोई बोल सकता है बहुत स्पॉन्टेनियसली कब आता है देशभक्ति की भावना, कब आता है? कुछ भी, जब पेट्रियोटिक मूवी या सॉन्ग सुनते हैं। बढ़िया बढ़िया बोला आपने, एकदम सही बोला। हमने कोई अच्छा सा एक मूवी देख लिया तो मन में वो मूवी खत्म होने के बाद थोड़ी देर तक रहता है वो, या कुछ अच्छा सा गाना सुन लिया तभी भी वो रहता है। मेरे को तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को थोड़ा दिल भरा रहता है कि इंडियन इंडियन रहता है, फिर 15 अगस्त 26 जनवरी को रहता है। कभी कभी जब पाकिस्तान इंडिया मैच हो रहा हो, या किसी भी और ऑस्ट्रेलिया इंडिया मैच हो रहा हो, जब इंडिया मैच खेल रहा होता तभी भी देशभक्ति की भावना आती है। ये सब समय है जब हमें देशभक्ति की भावना हमारे मन में हमें फील होता है, हमें हमें पता चलता है कि हाँ देश कुछ होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, हमारे हमारे मन में ये फीलिंग आती है। बट ये हमेशा नहीं रहता, देखा जाए ये हमेशा नहीं रहता। अभी हम बैठे भी तो हमें प्रेम अपने माँ के प्रति है, अपने पिता के प्रति है, अपने बच्चे के प्रति है, देश के प्रति है, ऐसा जस्ट सोचो एक बार, फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मन में आता है, क्या फर्क पड़ता है, चलता है। तो अगला सवाल जो मन में आता है, देशभक्ति का मतलब पता चल गया, कब हमारे मन में देशभक्ति आती है वो भी पता चल गया। नेक्स्ट सवाल आता है क्यों देशभक्ति, क्या फर्क पड़ता है, नहीं है तो नहीं, अभी तक तो सब सही चल रहा है ना, क्यों चाहिए? इसीलिए हम कहीं पे भी जाते हैं तो थूक देते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो कचरा फेंक देते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो कुछ स्क्रिबल करके आ जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो वो अपनापन भी लगता है इस देश के प्रति, और सब ठीक ठाक चल ही रहा है मेरे हिसाब से, तो देशभक्ति की भावना होनी क्यों चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक हम इसमें कन्विंस नहीं है कि हमारे प्रति हमें देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, अगर हम उस बात से कन्विंस नहीं है तो ये क्वालिटी ना हमारे लिए काम आएगी ना हमारे बच्चों के लिए काम आएगी। तो क्यों देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, तो मैं आपको एक दो उदाहरण के साथ समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज, मैंने बहुत छोटी थी तो मैंने एक बहुत सुंदर कहानी सुनी थी। उस कहानी में क्या होता है,
एक छोटा सा हिरन का बच्चा होता है, हिरन का बच्चा वो जंगल में होता है और सडनली एक शेर देख लेता है उस हिरन के बच्चे को और उसके ऊपर कूदता है उसे पकड़ने के लिए। तो हिरन का बच्चा भागता है, अब शेर उसके पीछे भाग रहा है, हिरन का बच्चा भाग रहा है, हिरन का बच्चा भाग रहा है, शेर उसके पीछे भाग रहा है। इतना तेज, वो छोटा सा हिरन का बच्चा ऊपर नीचे कूद रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कहाँ कहाँ करता है, गिर भी रहा है मगर उठ रहा, भाग रहा है, भागते 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 अपने आप को बचा लेता है और निकल जाता है, छूट जाता है। हिरन का बच्चा छोटा सा शेर को उसने यू नो छक्के छुड़ा दिए बोल सकते हैं। शेर बेचारा चुपचाप मुंह लटका के आ रहा है वापस। तो ऊपर एक पक्षी होता है, वो शेर को पूछता है, अरे शेर तू तो जंगल का राजा है, कैसे ये छोटा सा हिरन के बच्चे को यू नो तेरे से छूट के निकल के भाग गया, ये कैसे हुआ? इतना सुंदर जवाब वो शेर देता है। शेर कहता है कि जो हिरन का बच्चा था ये जान के लिए भाग रहा था, मैं खाने के लिए भाग रहा था। डिफरेंस पता चला? तो जब हमारा गोल छोटा सा होता है तो हमारी क्षमता भी छोटी सी होती है, जब हमारा लक्ष्य बड़ा होता है हमारी क्षमता भी उतनी ही बड़ी होती है। मुझे सिर्फ 20 नंबर चाहिए, कितने में से? 20 में से नहीं, 100 में से, तो मैं कितनी मेहनत करूंगी? मुझे 100 से 100 चाहिए, कितनी मेहनत करूंगी? तो जब हमारा लक्ष्य बड़ा हो तो हमारी क्षमता भी बड़ी हो जाती है, लक्ष्य छोटा हो क्षमता भी छोटी हो जाती है। जब हम अपने आप को समझो किसी छोटी चीज के साथ जोड़ते हैं तो हमारी क्षमता भी छोटी होती है। हम किसी को अपने साथ किसी बड़े उच्च चीज के साथ जोड़ते हैं, हमारी क्षमता भी हमेशा बड़ी हो जाती है। पहली ही तो देशभक्ति की भावना हमने मैक्सिमम क्षमता लाएगी, एफिशिएंसी लाएगी, ये पहली बात है। दूसरा ऐसा भी है, जब हम अपने आप को बड़े से एसोसिएट करते हैं, बड़े के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, ना सिर्फ क्षमता बढ़ती है, अगर कुछ अच्छा होता है तो हमें भी उतना ही ज्यादा गर्व फील होता है। जैसे मैं छोटा सा मैच जीतूंगी और मैं देश के लिए खेल रही हूँ और जीतूंगी तो कितना गर्व होगा, कितना प्राइड होगा, कितना नाम मिलेगा, वो भी है। और दूसरा, जब भी हम अपने आप को देश के साथ जोड़ते हैं जो छोटी छोटी भेदभाव होती है वो डूब जाती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ और समझो मेरे साइड में कोई आके बैठा हो और बातें बातें पता चला अरे तू मुंबई से है, तू भी मुंबई से है, तो कितना जल्दी कनेक्शन हो गया। या हम चल रहे हैं कहीं तो सफर कर रहे हैं साथ में, और तुम केरला से हो, और मैं भी केरला से हूँ, अरे अभी विशु आने वाला, ये आने वाला, हम बातें करने लग जाते हैं तो हमारे में भेदभाव सब हट जाता है, हम सब अपने एकपन देखने लगते हैं दूसरे के अंदर। अब समझो ये तो सिर्फ केरला मराठी महाराष्ट्र ये सबसे बोल रहे हैं, हम अब्रॉड जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। अब जब हम विदेश के रोड पे चल रहे हैं, सब अनजाने लोग हैं, हम भी चल रहे हैं, एक भारतीय सामने से दिख जाए तो आप उसको केरला बंगाली मद्रासी बोलोगे? आप एक भारतीय इंडियन भारत मेरे देश का दौड़ के उसके पास जाओगे, देखा? तो जब हम भारत के साथ एसोसिएट करते हैं तो छोटी छोटी भेदभाव डिफरेंसेस छूट जाता है, लेकिन हम छोटे के साथ पकड़ के रखते हैं तो ये भेदभाव, हम सिर्फ मराठी हैं और हम महाराष्ट्र से हैं, ये तो साउथ इंडियन से, हमने बीच में एक दीवार डाल दी, सब भेदभाव डाल दिया। तो जब भी हम बड़ों से एसोसिएट करते हमारी क्षमता बढ़ती है, भेदभाव हट जाता है, बहुत अच्छा फीलिंग आता है, ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं, गर्व मेहनत फील होता है और कुछ करने की इच्छा होती है, सबसे ज्यादा लगन होती है करने में, ये सब अच्छी चीजें होती है। तो अगला सवाल फिर से मन में आता है, फिर ऐसा क्यों हमारे मन में नहीं है? अगर इतनी अच्छी चीज है, इतनी अच्छी क्वालिटी है, तो क्यों हमारे मन में हमेशा देश के प्रति प्रेम नहीं है, क्यों नहीं है? तो मैं हमेशा एक सवाल अपने बच्चों से भी पूछती हूँ, हम आपसे पूछेंगे, ओके? आप चिकड़म्बू से प्यार करते हैं? चिकड़म्बू से प्यार करते हैं? मैं अर्चना मैम का मुंह देख रही हूँ, एकदम अजीब सा है, चिकड़म्बू क्या बोल रही है ये? अगर मैं बोलूंगी आप सिर्फ बोलो प्यार करते हो कि नहीं, तो आपका सवाल मुझसे क्या होगा? पहले बताइए तो ये है क्या? ये कोई खाने की चीज है, देखने की चीज है, कि किसी आदमी का नाम है, कोई मूवी का नाम है, कोई गाने का नाम है? आप मुझसे यही पूछोगे ना? मैं बोलूंगी कुछ भी होने दो, प्यार करते हो? तो आपका अगला सवाल होगा मुझसे, अगर हम जानते नहीं है तो प्यार कैसे कर सकते हैं? किसी चीज को जानोगे तभी प्यार करोगे, या किसी को प्यार करो तो जानोगे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो या तो पहले प्यार करो फिर आप जानोगे अपने आप ही, क्योंकि जब प्यार करोगे तो और जानना दिल में इच्छा होती है, या जानो तो प्यार करोगे, दोनों में से कोई भी। तो बस भारत से प्रेम करो, आप अपने आप ही भारत के बारे में पढ़ने लग जाओगे, जानने लग जाओगे, या भारत को जानो फिर आप उससे प्रेम करोगे, किसी भी रास्ते को पकड़ो। तो हम में से बहुत लोग भारत से प्रेम इसलिए नहीं कर पाते, या वो भारत देश प्रेम की भावना नहीं आती, क्योंकि हमें देश के बारे में कुछ पता ही नहीं है। देश इतना सुंदर है, इतना अच्छा, या देश में कुछ कमजोरी भी है,
वो कमजोरी हमें काफी हद तक पता है, मतलब जो प्राइड की बातें हैं, जो हमारे संस्कृति की बातें हैं, जो हमारी कला है, हमारा हमारी त्योहार है, सब कितनी चीजें हैं हमें उनके बारे में पता भी नहीं है। तो अब हम देखने जाएंगे भारत के बारे में जरा सा जो हमें पता नहीं है। तो मैं वापस अपने आप आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अब आप इसको देख सकते हैं। तो हमने देख लिया इसका मतलब, फिर हम अब आ रहे हैं आपको बताने के लिए हमारा भारत इतना महान क्यों है। तो मैं आपको 5 मिनट के अंदर भारत की सैर कराऊंगी, ठीक है? तो आप मेरे साथ रहिए। आप ये देखिए 50 से 100 किलोमीटर के अंदर भारत का बोलने की भाषा बदलती है। मतलब आपने सुना होगा हिंदी, मगर हिंदी में भी खड़ी भाषा होती है, अवधी भाषा होती है। हम बोलते हैं कि हम आंध्र से, मगर तेलुगु में भी हर 100 किलोमीटर में तेलुगु का बोलने का स्टाइल बदल जाता है। हमारी कल्चर मतलब सभ्यता, और या अभी आपने भारत भैया से अभी आपने संस्कृति के बारे में सुना, संस्कृति में भी हमारे पहनने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे खाने का तरीका 100 किलोमीटर में आपको दिखेगा कि बदलता जा रहा है। सोचो कितना हमारे देश में वैरायटी है। ऐसे सेम अगर बोलू तो आपको मैं इस नेक्स्ट इसमें बताती हूँ, वोटिंग। अगर आपको पता है हमारा इंडिया इतना सुंदर कंट्री है, एक आदमी है जिनका नाम है महंत भरतदास जी, 204 से वोट कर रहे हैं। ये गिर के जंगलों में रहते हैं, और ये गिर के जंगलों में पूरे शेर भरे हुए हैं गुजरात में, और कहते हैं कि वहां एक ही ये इंसान रहते हैं जो वहां काम करते हैं और वहां पे उस जंगल में रहते हैं। इस एक इंसान के लिए भी हमारा देश ऐसा नहीं बोल रहा एक ही इंसान है छोड़ दो। हमारा इलेक्शन के जो वर्कर्स हैं 300 माइल 4 दिन ट्रेवल करके 300 माइल कवर करते हैं उस शेर वाले जगह से जाके इनका वोटिंग लेते हैं। इनके पास भी वोटिंग का कार्ड है, 204 से ये वोटिंग दे रहे हैं। जस्ट सोचो, सेम थिंग है अंडमान निकोबार में, कुछ 9 लोग हैं जो एक जगह रहते हैं, छोटा सा जगह, 9 लोग हैं, मगर उधर भी पूरा मगरमच्छ से भरा हुआ ये जगह, मगर फिर भी हमारे इलेक्शन वाले लोग वहां जाते हैं उन 9 लोगों का वोट देने के लिए। तो किसी को छोड़ा नहीं, ऐसे लोग तो हमें दिखेंगे भी नहीं, बट ऐसा है हमारा देश। अगर मैं आपको अपना सभ्यता और अपने संस्कृति के बारे में बोलूं तो हमारा बृहदेश्वर टेम्पल को देख लीजिए, 1000 साल पुराना है। इसका जो ऊपर का कुंभ है वो 80 टन है। अब 80 टन का उस कुंभ को ऊपर तक पहुंचाना उस जमाने में 1000 साल पहले, सोचो हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा साइंस, हमारा नॉलेज, हमारा आर्किटेक्चर कितना उस आगे पहुंचा था कि इस 80 टन को उस ऊपर हमने मंदिर के ऊपर लेके जाके उसको बिठाया ताकि वो उधर एडजस्ट भी हो जाए, गिर भी नहीं रहे, वजन भी ये पूरा मंदिर उसका उठा सके। कितना आर्किटेक्चरल नॉलेज हमारे पास हुआ होगा। सेम वे इसमें सीमेंट बिल्कुल यूज नहीं किया गया हुआ है, इसको पत्थर को अपने आप इंटरलॉक कर करके बनाया गया हुआ है, पूरा ग्रेनाइट का है अंदर, और ऊपर से इसका शैडो दोपहर तक नीचे आता भी नहीं है। ऐसा है हमारा देश। सेम वे आपने सुना होगा एक रॉकेट में हमने 104 सैटेलाइट भेज के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये है साइंस में हमारा देश। अगर आप ऊपर देखोगे ये प्लैनेट्स जो बोलते हैं, मार्स प्लैनेट जो है, जुपिटर मार्स हम जो कहते हैं, तो मार्स मिशन जैसे इंडिया ने मार्स में अपना जब भेजा था तो कहते हैं बाकी सब कंट्रियों ने भी भेजा, नासा ने भेजा, यूरोपियन भेजा, जापान ने भेजा, रशिया ने भेजा। आप सिर्फ इस सर्कल जो गोल गोल बने उस पर पैसों को देखिए, नासा ने $671 मिलियन खर्च किया, किसी ने $386 मिलियन, हमारे देश ने सिर्फ $74 मिलियन खर्च किया। डॉलर है, सब डॉलर में, $74 मिलियन में हमने नासा तक मार्स तक अपना मिशन को भेजा था। ये हमारा इंडिया, कम खर्चे में दूर से दूर तक हम पहुंच गए। उतना ही नहीं, ये मेरा फेवरेट है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं, ये हमारी कला को दिखाता है, हमारे पेंट, हमारा आर्किटेक्चर, हमारा आर्ट, बेसिकली आर्ट दिखाता है। आप सिर्फ ध्यान से कहीं 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 देखिए, हर जगह का आर्ट फॉर्म डिफरेंट है। आप महाराष्ट्र में आ जाइए, आपको वारली पेंटिंग सुना होगा आपने, देखो महाराष्ट्र में वारली पेंटिंग है। ऐसे सेम आप कर्नाटक में नीचे आ जाइए जरा सा, आपने सुना होगा मैसूर पेंटिंग, आपको पेंटिंग दिख जाएगा वहां पे, तंजावुर पेंटिंग आपने सुना होगा। आप हर जगह पे देखिए, एक एक तमिलनाडु का तंजावुर पेंटिंग है, हर जगह का अपना अपना पेंटिंग है। तो हमारा कला, हम कितने रिच है हमारे कला में, एक तरह का कला नहीं है, हर जगह पे टोटली डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट टाइप की कला है। ये हमारा भारत है। सेम अगर आपने कभी सुना होगा, इसको कहते हैं GI टैग। GI टैग मतलब एक पर्टिकुलर विशेष, या तो टेक्सटाइल बोलो या खाने की चीज बोलो या पर्टिकुलर चीज बोलो, जो उस जगह से शुरू हुई और सालों तक उस जगह से ही प्रसिद्ध हो रही है। लाइक अगर मैं बोलूं आपको सोलापुर की चादरें,
महाराष्ट्र में सोलापुर की चादरें सालों से बन रही है, तो वही उसका ओरिजिन हुआ है, वहीं स्टार्ट हुआ है और अभी तक वहीं पे ये बढ़ता जा रहा है, तो उसको जीआई टैग बोलते हैं। तो हमारा सोलापुर चादरों को जीआई टैग मिला है। मैसूर सिल्क साड़ी आपने सुना होगा कर्नाटका, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। कांचीपुरम साड़ी तमिलनाडु है, ऐसे ब्लू पॉटरी जयपुर है, ऐसे अलग अलग जगह मधुबन पेंटिंग आपने सुना होगा बिहार का है, तो ऐसे उसको जीआई टैग, ये वहीं शुरू हुआ है और सालों से वहीं पे वो प्रसिद्ध हो रहा है, तो उसको जीआई टैग मिलता है। ऐसे 300-400 आइटम्स है जो इंडिया में ही शुरू हुआ है और अभी सालों तक वहीं पे चला आ रहा है, तो ये जीआई टैग इंडिया में कई जगह पर कई चीजों को ऐसा टैग दिया गया है। ऐसा ही नहीं पूरे विदेश, पता पूरे दुनिया में, देश में नहीं पूरे दुनिया में सेकेंड लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोलने वाली जो लैंग्वेज होती है स्पोकन लैंग्वेज हिंदी है। हिंदी और उर्दू अगर आप देखोगे तो इस सर्कल में आप अपने दाएं तरफ देखोगे तो आपको दिखेगा, उसके बाद स्पैनिश इंग्लिश ये सब आता है, सबसे ज्यादा लोग इसी लैंग्वेज को बोलते हैं। और ये तो सबसे सुंदर है, एक माथुर विलेज है कर्नाटक में, ये हमारा देश है, हमको अपने देश के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आप एक माथुर विलेज कर्नाटक में छोटा सा जगह है, उस माथुर विलेज में जाओगे तो आपको पता चलेगा वहां पे सब लोग संस्कृत की भाषा बोलते हैं। उस विलेज में उस छोटे से गाँव में बोलने की भाषा संस्कृत है, और संस्कृत ऐसा है कि जहाँ जर्मनी में तो 14 यूनिवर्सिटीज को संस्कृत, 14 यूनिवर्सिटीज जर्मनी में जो संस्कृत देते हैं, और संस्कृत की इतनी सुंदरता है, जैसे हम बोलते हैं ना पर्यायवाची शब्द, अगर मैं आपको बोलूं सूर्य का पर्यायवाची शब्द तो आप कहेंगे रवि, पर्यायवाची शब्द है। संस्कृत में ऐसे शब्द है जैसे हाथी, हाथी के 100 पर्यायवाची शब्द है। सोचो संस्कृत कितना 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 रिच है, कितना रिच है, और वो हमारी भाषा है, हमारी इंडिया की भाषा है, हमारी संस्कृति की भाषा है। अब आप मसालों की बात करो तो इंडिया तो फेमस है स्पाइसेस के लिए, सारे मैक्सिमम बढ़िया से बढ़िया मसाले इंडिया में ही बनते हैं और इंडिया से ही दूसरे कंट्रियों में जाते हैं। अगर आप देखो तो खाने की बात इसको कैसे भूल सकते हैं, जरा चित्र को देखिए आपके मुंह में पानी आने लग जाएगा। हर जगह अपना फेवरेट डिश है, अपना फेवरेट स्वीट डिश है, अपना फेवरेट मसाले हैं, अपना फेवरेट स्वाद है हर जगह। ऊपर जम्मू से शुरू करिए तो आपको लगेगा दम आलू, हिमाचल प्रदेश में आ जाए, पंजाब में दाल मखनी है, एंड देन आप बोलते हैं ना सरसों का साग मक्खी की रोटी है, नीचे आ जाइए थोड़ा सा दिल्ली तक आपको पराठे मिल जाएंगे, आप गुजरात में आ जाइए थेपला ढोकला खांडवी सब गुजरात का है, आप आ जाइए थोड़ा सा नीचे महाराष्ट्र में तो श्रीखंड है थाली पीठ है, ये सब ऐसे चलते रहिए। आप पूरे दुनिया अपने पूरे इंडिया में देखोगे कितनी सारी चीजें हैं जो भारत में फेमस है कुजीन में। So, ऐसा है हमारा देश, हर जगह की अपना डिफरेंट। मनीषा जी आप अपना को म्यूट कीजिए प्लीज, तो आप देखेंगे कि आपके इस भारत में कितने डिफरेंट 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 स्वाद के खाना भी मिलता है, ये भारत है। ऐसे ही सेम अगर आप देखोगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम, नाम है पाइथागोरस का, हमको लगता है कि पाइथागोरस ने ही दिया है, ये पाइथागोरस का जो थ्योरम है ये बोधायन जी ने दिया था जो अगेन हमारा इंडियन है। सुश्रुता जी है, सुश्रुता जी, ये सुश्रुता जी पहले सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन जो बोलते हैं नाक में, एक आदमी के नाक में चोट लग के नाक पूरा खराब हो गया था, तो ये सुश्रुता जी ने सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी की थी सुश्रुता के ऊपर, ये भारत से ही शुरू हुआ था। प्लास्टिक सर्जन में सुश्रुता जी का सबसे ऊपर नाम आता है। सेम वे अगर आपको पता है जीरो के बिना 1 2 3 4 9 तक ठीक है, 9 के बाद क्या, फिर वापस क्या नंबर होगा, तो एक जीरो की वजह से हम अनलिमिटेड इन्फिनिट नंबर तक जा पाते हैं, इंडिया की देन है। ऐसे ही सेम ब्रह्मगुप्त जी ने डायमीटर बोलते हैं अर्थ का जो डायमीटर होता है, जो सालों पहले ब्रह्मगुप्त जी ने जो माइल्स में दिया था 7905 माइल, अभी 7918 माइल्स मॉडर्न मेजरमेंट विद ऑल इक्विपमेंट, बट ब्रह्मगुप्त जी ने उतने साल पहले दिया। सेम एक सूर्य को अपने यू नो मेजर, ये भास्कराचार्य जी ने दिया था कि अर्थ को, पूरे अर्थ को अराउंड चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 365.2525 इतना दिन हमारे भास्कराचार्य जी ने दिया। मॉडर्न मेजरमेंट नीचे लिखा 365.25, देखो कितना डिफरेंस है। उस जमाने में बिना साइंस, बिना टेक्नोलॉजी, बिना माइक्रो टेलीस्कोप, ये वो कैसे उन लोग बैठ के इतना, कैसे उन लोग इतना तक सोच पा रहे थे। एक संस्कृत में एक इंग्लिश में वर्ड है इंट्यूशन, मन इतना शांत था, ऑब्जर्वेशन इतना ज्यादा था, अलर्टनेस था और भगवान का देन था, ये सब नॉलेज ऐसे दिमाग ऐसे क्लिक होता था उनको, इंट्यूटिव नॉलेज बोलते हैं इसको। ये सब के वजह से आप देखोगे इंडिया में कितने सारे इनोवेशंस इन्वेंशन सब इंडियन लोगों ने किया, इंडियन साइंटिस्ट ने किया। अब लीडर्स भी देखोगे तो पूरे विदेशों में, देशों में आप देखोगे तो आप, आपको यहाँ दिखेगा कि कितने सारे जगह पर ये सब जगह मेन लीडर्स जो है सारे देशों में इंडियन ही है।
अगर यह देखो कि गवर्नमेंट्स के हेड, अलग अलग गवर्नमेंट्स के सब एनआरआई इंडियन है, जो इंडियन है, बाद में वहां जाके सेटल हुए हैं, वहां जाके रह गए, मगर इतने बड़े बड़े पोजीशंस में सब इंडियंस हैं। डेप्यूटी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट देखो, यूनाइटेड स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट्स को देख लो, या अलग अलग जगह के हेड ऑफ द गवर्नमेंट देखो, सब इंडियन है। सेम वे सेंट्रल बैंक्स, अपना रिजर्व बैंक होता है, फेडरल बैंक, सेंट्रल बैंक, उनके भी हेड्स अलग अलग कंट्री में आप देख लो इंडियन है। सिंगापुर का देख लो, मॉरिशियस देख लो, सब जगह इंडियन है। तो बड़े बड़े लीडर्स जैसे काम कर रहे हैं, इंडिया है जहां जहां दुनिया में जाके काम कर रहे हैं, ऐसा हमारा देश है। अब आपके मन में फिर भी आता होगा और कुछ, मैं बोलती जा सकती हूँ, मगर मैं बोलने से ज्यादा आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है? तो एंजॉय कीजिए। हाथों के परछाइयों से बनाइए परछाई से की स्टॉप करती हूँ, मगर आप देखोगे तो भले अलग अलग चीजें इसमें दिखाएंगे सिर्फ ये उंगलियों की परछाइयों से, लेकिन आप इसमें देख सकते हो भले माउंटेन, जैसे आपको अगर मैं बोलूं आप बाहर आपको एक जगह जाना है जहां बर्फ से खेल सको, तो आप मुझे स्विट्जरलैंड ये वो कुछ जगह बताओगे। मैं बोलूंगी मुझे रेत में जाना है जहां पूरा रेत और डेजर्ट हो, तो आप मुझे कोई जगह बताओगे। मगर आप भारत में देखोगे तो आप ऊपर नॉर्थ में चले जाओ, आपको इतना सुंदर पूरा बर्फ बर्फीली पहाड़ मिलेंगे। आप थोड़ा सा राजस्थान साइड चले जाओ, आपको पूरा डेजर्ट मिलेगा। आप इस तरफ चले जाओ जहाँ पे आपको पूरा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ चले जाओ पूरा जंगल मिलेगा। नीचे की तरफ आ जाओ, बैक वाटरफॉल मिलेगा। आप पूरे भारत में देखिए, आपको हर तरह जो दुनिया में चीजें आप देख रहे हो, आपको अकेले भारत के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। ये हमारी इतनी सुंदर, अगेन मैं बोल सकती हूँ, अब मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, 11वीं में एक चैप्टर आता है जहां बोलते हैं भारत अंग्रेजों के आने से पहले कैसे था, अंग्रेजों के टाइम पे क्या हुआ, अंग्रेज जाने के बाद क्या हुआ। तो ये एक सुंदर सा सॉन्ग है जो बहुत पुराना हिंदी सॉन्ग है, एक ही लाइन सुनाऊंगी आपको मैं। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता जेरा, वो भारत देश है मेरा। ये हमारा भारत देश है, सोने की चिड़िया कहलाती थी किसी जमाने में। अपने हमारा पूरा हमारे हमारी संस्कृति ऐसी थी जहां हम अपने माता पिता गुरु अतिथि सबको भगवान मानकर उनकी सेवा करते थे। सत्य नॉन वायलेंस ये सब हमारा आदर्श या वैल्यू रहे थे। तो ऐसा एक सुंदर सा ये गाना है जिससे हमको अपना देश कैसे था ब्रिटिश के आने से पहले वो दिखता है। एक और चीज जो मेरा बहुत फेवरेट है ये गाना है। हम देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने जान को आसानी से दे देते हैं। हमको कोई बोले एक रुपया दे दो, दस रुपया दे दो, या कोई बोले कि थोड़ा सा समय दे दो, हम फिर भी सोचते हैं। बट इनको देखिए, जो शहीद हमारे, जो शहीद देश के लिए अपनी जान तक हंसते हंसते दे दिए, ऐसे भी हमारे ही देश में लोग रहे हैं। आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग देख
आपने देखा ये अभी भी कितने लोग हमारे जवान बॉर्डर पर खड़े हैं बिना नींद के, बिना यू नो टफ कंडीशंस, वेदर अच्छा नहीं है, मौसम खराब है, बट बैठे हुए वहां पे किस लिए? ताकि हम आसानी से सो सके। तो ऐसे भी लोग हैं जो अपने देश के प्रति अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा है भारत। अगर आपको पता है भारत ही एक ऐसा देश है जहां जो ऐसे कुछ कुछ आप लोगों ने नाम सुना होगा जो जेल के अंदर बंद होकर, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूरी किताब लिखी, हमारे में लोकमान्य तिलक, ये सब नाम को सोचिए, बिना डर के अपना जान देने को तैयार थे। वो बोलते थे ये शरीर तो कुछ भी नहीं है, और भी हम बार पैदा होंगे तो अपने देश के लिए और उतने बार हम अपना जान को दे देंगे। तो इनके मन में कितना देश के प्रति प्रेम था ये हम देख सकते हैं। अब सवाल आता है हम दूसरों के बारे में देख रहे हैं तो हम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगी कि आप इस चित्र को देखिए, एक ग्लास का पानी है, इसको समझिए जैसे ये देश है, हमारा भारत देश है, ये पानी को आप देश समझिए। मैं स्पॉन्ज हूं कि मैं ये पत्थर हूं, कि मैं ये चीनी हूं, ये चीनी सफेद सफेद, या ये मिट्टी हूं, मैं कौन हूं, ये सोचना है। तो कोई बोल सकता है मुझे क्यों मैं चित्र दिखा रही हूं, मैं मिट्टी मतलब मैं क्या करती हूँ इस देश को, मैं चीनी हूं मतलब इस देश को क्या कर सकती हूँ, मैं पत्थर हूं तो क्या करूंगी, मैं स्पॉन्ज हूं तो इस देश के साथ क्या करूंगी। कोई इसको थोड़ा सा एनालाइज करके बता सकता है क्या है ये पिक्चर, क्या कहने की कोशिश कर रहा है? आप में से कोई भी बोल सकता है, अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज बोलिए। ये देश है, ये ग्लास के अंदर पानी, कोई पत्थर है, कोई चीनी है, कोई मिट्टी है, कोई स्पॉन्ज है, मतलब क्या इसका? एक भी आप रिलेट करोगे तो बहुत है। कोई ट्राई कर सकता है, कोई कहना चाहेगा? मनीषा जी, अच्छा आरती जी आप कहना चाहेंगे, आरती मिश्रा जी आप म्यूट कर, पहले अनम्यूट कीजिए प्लीज। नहीं, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही, आपने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया। हाँ आरती जी सही है, हाँ बोलिए बोलिए। मैम चीनी, चीनी का मतलब है आसानी से घुल जाना, घुल मिल जाना, आसानी से घुल जाना। वेरी गुड, सही कहा आपने, सिर्फ घुल जाता है और कुछ और भी करता है उस पानी को, मिठास होता है। बहुत सुंदर आरती जी आपने कहा। तो कुछ इंसान चीनी जैसे होते हैं जो जहां जाते हैं वहां मीठापन फैला देते हैं, तो वो उधर जाएंगे और सब मीठे हो जाएंगे, मतलब सबको मीठा बना देंगे, प्रेम डालेंगे सब में। तो कुछ चीनी जैसे होते हैं, कुछ मिट्टी जैसे होते हैं, मतलब क्या, जहां जाएंगे वहां क्या करेंगे? या अंबिका जी, पानी में अगर मिट्टी मिल जाएगा तो पानी ही गंदा हो जाएगा। सही बोला। तो कुछ कुछ लोग भी मिट्टी जैसे हैं, जैसे हम जहां जाएंगे जो कुछ सही चल रहा था हम सब बिगाड़ के आ जाते हैं, है कि नहीं? हम सब बिगाड़ के आ जाएंगे, वहां जाएंगे बिगाड़ के आ जाएंगे। तो कुछ जाके मिठास डालते हैं, कुछ बिगाड़ देते हैं। पत्थर क्या करता है, जगह ले लेता है। वो आप देखोगे उस पत्थरों को, वो सिर्फ जगह लेके वहां बैठा रहेगा, ना कुछ करेगा, ना कुछ देगा, ना कुछ लेगा। मैं न दूंगी न लूंगी, बस बैठी रहूंगी वहां पे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ स्पॉन्ज जैसे हैं, मैं सिर्फ ले लूंगी, वो स्पॉन्ज क्या करेगा, पूरा पानी निचोड़ लेगा, सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कुछ ऐसे होते हैं, मेरे को क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं कितना ले सकता हूँ, सब ले लेते हैं। तो हम में से भी कुछ, हमें सोचना है हम कैसे हैं। हम देश से सिर्फ लेना 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 जानते हैं, या अपने इनडिफरेंट, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, बस मेरा काम हो गया, मुझे जगह मिल गया, खत्म, या मैं जाके सब खराब कर देती हूँ, या मैं जाके मीठा देती हूँ, ये सोचना है। तो मैं क्या हूं और मैं कैसे उस शुगर तक पहुंच सकती हूँ, मैं जहां पर भी हूँ, ये हमें सोचकर करना है, और यही कराना है अपने बच्चों में भी। तो हमारे बच्चों को भी पेट्रियोटिक सॉन्ग सिखाना, अलग अलग जगह के सिग्निफिकेंस दिखाना, कभी कभी उनको स्कूल से छोटे, अभी नहीं कोविड के टाइम पर जब स्कूल सब सही सब हो जाए, तो जो नए छोटे जगह होते हैं आजू बाजू जिसपे कुछ नेशनल सिग्निफिकेंस है, उन चीजों के बारे में बताना, रोज क्लास शुरू करने से पहले देश के बारे में एक कुछ फैक्ट बताना जिससे उनको गर्व महसूस हो, या असेंबली में भी देश के बारे में कुछ उनको बताना और दिखाना। कोई भी आप पाठ पढ़ा रहे हो, आप साइंस पढ़ा रहे हो, मैथ पढ़ा रहे हो, उसमें अपने देश के प्रति जो भी है उसे कनेक्ट कीजिए। मैं अगर पढ़ा रही हूँ कि इतने सारे जंगलों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वहीं स्टॉप नहीं होना है, फिर बताना है कि इंडिया में कितने जंगलों को हम काट रहे हैं, कैसे हम उसमें अपने आप को योगदान देकर उसे रोके, चिपको मूवमेंट है, वो सब बताना है। तो हमें सिर्फ जो किताब में लिखा है वो न करके हम बच्चों में कैसे देशभक्ति की भावना बढ़ाए, या देश के प्रति कुछ करने की भावना बढ़ाए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। So, कुछ गलत हो रहा है, लाइक अगर पेड़ बहुत कट रहे हैं, तो हमें बोलना है जब भी क्लास से बाहर जाओ लाइट फैन ऑफ करो,
कोशिश करो कि पेपरों को खराब ना करें। फैंको ने जब तक पेपर में लिखा नहीं, खत्म नहीं किया, उसको आधा एक साइड लिखा, आधे पन्ने लिखा, चार लक्ष्य लिखा, फाड़ के फेंक दिया। पेड़, जब हम पेपर फाड़ रहे हैं तो हम पेड़ों को काट रहे हैं। बच्चों को या कुछ मैथ्स पढ़ा रहे तो उसका उसका कोई कनेक्शन अपने देश के साथ किसी ने दिया था क्या? कभी कभी मैथ्स में पैटर्न होता है, उससे रंगोली है, कुछ भी सिखा सकते हैं। हर फेस्टिवल का एक सिंबोलिज्म होता है, वो बताना। तो इस तरह से हम अपने हर पार्ट में देशभक्ति की भावना बच्चों में डाल सकते हैं। हम लोगों ने भी कुछ स्कूल में किया था, जैसे जब कोविड के टाइम पे, कुछ हमारे में बहुत ज्यादा नहीं दिखाऊंगी इसमें, कुछ हमारे स्कूल के बच्चे जो अभी एल्यूमिनाई है, मतलब पढ़ के चले जा चुके हैं, उन्होंने अभी वो डॉक्टर्स हैं और वो दूसरे बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, कोविड के पेशेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। तो हमने उनका वीडियो बना के सबके साथ शेयर किया था कि हमारी बच्ची है हमारे स्कूल में पढ़ के एल्यूमिनाई बनी, तो वो चेन्नई के हॉस्पिटल में काम कर रही है, ये भी हमारी बच्ची है, पढ़ के अभी एमडी है और अभी बच्चों को कोविड के टाइम पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल में योगदान दिया। दोनों डॉक्टर्स मुंबई में डॉक्टर कोविड टेस्ट के लिए, कोविड के लिए उन्होंने भी पेशेंट्स को बहुत हेल्प की। मैं भी पूरा नहीं दिखा रही इसको, मगर ऐसे हमने वीडियो बनाया, हमने सारे बच्चों से पूछा जो जो डॉक्टर है और कोविड के टाइम पे दूसरों की मदद कर रहे हैं, अपना अपना फोटो और भेजो नाम। फिर हमने प्रेजेंटेशन बना के अपने सारे बच्चों के साथ शेयर किया, पेरेंट्स के साथ शेयर किया। सेम अगर आपने सुना तो एजुकेशन सेल ने भी सारे स्कूल से पूछा था, अगर आपके स्कूल के कोई बच्चे जो एल्यूमिनाई है, कुछ पुलिस में काम कर रहे हैं या आईएएस ऑफिसर्स हैं या देश के सेना, वायु सेना, स्थल सेना, कोई भी सेना में काम कर रहे हैं, उनके नाम दीजिए। और चिन्मय जो हमारा मैगजीन आता है आपको पता होगा, उसमें उन डिटेल्स को भी एजुकेशन सेल ने डाला था। तो ऐसे करके हमें भी अपने बच्चों को प्रोत्साहन करके दिखाना है। हमारा एक बच्चा है जो अभी भारतीय क्रिकेट टीम में कोच है, जो भारतीय क्रिकेट टीम है, इसमें हमारा एक बच्चा है जो पास होकर अभी निकल गया है, वो स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस कोच है, मतलब स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस कोच, वो लोगों को यू नो मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, वो सब करने में करता है। तो ये सब हमारे लिए गर्व की बात है। अब हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे, इसे एंजॉय कीजिए। तो आपने ये देखा होगा इसमें लास्ट में बहुत सुंदर से शब्द लिखे थे जिसमें कहा कि या तो हम झंडा फहरा के आएंगे, ओके, फहरा के आएंगे, झंडा फहरा के आएंगे, या उस झंडे में ही लिपट कर आएंगे। कितनी सुंदर सी बात है ना, है ना, या तो झंडा फहराएंगे जीत के आएंगे या उस झंडे में लिपट कर आ जाएंगे, लेकिन शहीद होके आएंगे, ऐसे भाग के नहीं आएंगे। तो ये चीजें जो है, अगर आपने ये पूरा देखा होगा तो हम यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे अंदर वो भारत के प्रति गर्व, भारत के प्रति प्रेम होना चाहिए। और सबसे सुंदर बात है ये हम टीचर्स कर सकते हैं। एक स्कूल था जहाँ पे कोई टेररिस्ट निकला और कुछ तो उसने किया गड़बड़ गुड़बड़, तो वो पूरे स्कूल के टीचर्स लोगों ने काला रिबन बांध लिया कि ये बच्चा हमारे स्कूल से निकला है, हम काला रिबन बांध रहे हैं क्योंकि हमने कहीं गलती की, इस बच्चे को सही रास्ता नहीं दिखाकर। अगर कोई ब्रिज टूट जाएगा हम बोलेंगे इंजीनियर की गलती है,
कोई डॉक्टर ने टेबल पे एक इंजेक्शन देके मरीज को मार डाला, बोलेंगे डॉक्टर की गलती है। अगर किसी लॉयर ने किसी का केस को जो इजी सा केस था उसको फेल करा दिया, हम बोलेंगे वकील की गलती है। मगर पता है डॉक्टर इंजीनियर वकील सबके पीछे एक इंसान है, वो है टीचर। वो टीचर है जो बदल सकता है। तो अगर हमें ये तीन चीजें सिंपल अपने पहले तो अपने अंदर प्रेम होना चाहिए, गर्व होना चाहिए देश के प्रति, दूसरा अपने बच्चों में वो गर्व लाने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी आप कर रहे हो, आप त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हो इंडिया के प्रति, उसके बारे में आप इंग्लिश मैथ साइंस पढ़ा रहे हो, उसमें भारत के प्रति कैसे हम, मैं नहीं कह रही हूँ कि गलत चीज को इग्नोर करना प्रेम होता है, वो नहीं, गलत चीज को सही करना प्रेम होता है। तो जो चीजें में हम गलत जा रहे हैं, इंडिया में कमी है, इंडिया में ठीक नहीं है, वो भी बच्चों को बताना है, मगर उनको बताना है हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, तुम क्या कर सकते हो आगे जाके, तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करो देश में बदलाव लाओ, तुम आईएएस ऑफिसर बनो देश में बदलाव लाओ, ये सब करना है। मुझे याद है जब मैं एक बार बस स्टॉप पे थी, और जब मैं बॉम्बे में थी और बस स्टॉप पे थी, एक्चुअली ऐसा हुआ बस कोई लाइन में खड़ा नहीं था, और बस आई तो सब उसमें टूट एक साथ घुसने की कोशिश करने लगे। तो एक इंसान ने सिर्फ बोला लाइन में चलो ना यार, तो दूसरे ने सीधा बोला भारत है यार, इंडिया है मैन, ऐसा ही होता है। हम गलती करें और हम अपने देश को बोलेंगे इंडिया इससे गलती होती है, तो गलत बात है ना, है कि नहीं? हम तो ना कहते इंडिया मैन ऐसा ही होता है, नहीं इंडिया ऐसा नहीं है, भारत ऐसा नहीं है, भारतीय गलत है, भारत से सुंदर है। तो उनको समझाना है कि कैसे हम अच्छे भारतीय बने, रिस्पॉन्सिबल भारतीय बने, इलेक्शन में वोट देना, सही वोट देना सही, तो ये सब हम एज अ टीचर बच्चों में डाल सकते हैं। तो जब जो भी पाठ पढ़ाए उसमें भारत के प्रति क्या अच्छा है उसको प्रेजेंट कीजिए, और जो एरिया में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो प्रेजेंट कीजिए। सो हर पाठ के साथ कनेक्ट कीजिए। हम शेक्सपियर की पोएम पढ़ा रहे हैं, तो शेक्सपियर की पोएम के साथ स्टोरी पढ़ा रहे हैं या उनके उनके काम के बारे में बता रहे हैं, उसी से मिलता जुलता इंडियन पोएट के बारे में, ऑथर के बारे में, राइटर के बारे में दिखाइए। तो जहां जहां आप जिसको भी पढ़ा रहे हो उसके साथ इंडिया को कनेक्ट कीजिए कि हमारे देश में भी ऐसे ऐसे महा लेखक थे, ऐसे कवि थे, वो सब भी हमें बताना है। तो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसमें उसको कनेक्ट कीजिए, ठीक है? और अपने बच्चों को भी एनकरेज कीजिए, भले सेना ज्वाइन करने के लिए, थल सेना है, वायु सेना है, जो भी सेना ज्वाइन करना, आईएएस ऑफिसर बनना, कुछ बड़ा बनना, रिस्पॉन्सिबल बनना, कुछ नहीं तो सही रखना, सही बनना, अच्छा इंसान बनना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसा हम करेंगे तो हमने अपना जो कर्तव्य है वो पूरा किया, ठीक है? तो मैं यही कहूंगी, मैं अपने सेशन को 5:30 हो गया बंद करती हूँ। जय हिंद और जय भारत। बहुत 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 धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद।